हेलो एवरीवन। इस समय आप अपनी कैट प्रिपरेशन के उस स्टेज पे हो जहाँ पे भाई आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो एकदम गिव अप करना चाहते हैं। या तो आपके मॉक्स पे नंबर इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, या फिर आप प्रिपरेशन कर भी रहे हो बट हाफ अटेली कर रहे हो, तो अब आपको लग रहा है पता नहीं नेक्स्ट 40-50 डेज में कुछ होगा भी नहीं होगा, या फिर आप भाई मेहनत करो लेकिन पर्टिकुलर सेक्शन आपका इंप्रूव नहीं हो रहा, एग्जाम में आप नर्वस हो जा रहे हो, इन सब चीज़ों की वजह से आप गिव अप करना चाहते हो, राइट? बट मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ, इफ यू आर रेडी फॉर 1 month ऑफ नॉन स्टॉप हार्डवर्क, यू कैन स्टिल क्रैक कैट एंड गेट इन टू योर ड्रीम बी स्कूल। तो बहुत ध्यान से वीडियो देखेंगे एंड समझेंगे एक एक चीज़ को। देखो, गिव अप करना बहुत आसान है, लेकिन ये सोचो जब आपने इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, आपने जब सोचा था मुझे कैट क्रैक करना है, मुझे एक अच्छे एमबी कॉलेज में जाना है, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, आपका गोल क्या था? आपका गोल था मैं मेहनत करूंगा। अब क्या हुआ, अब एग्जाम पास आ रहा है तो आप थोड़े से नर्वस हो गए हो, आपके अंदर वो एंजाइटी हो गई है, आपको थोड़ा सा फियर हो रहा है कि पता नहीं मेरा एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो क्या होगा, बहुत सारे वो चैलेंजेस हैं कि भाई अब आपको एक तरह से गिवअप वाली फीलिंग आ रही है। लेकिन यार अभी जो है ना, आपके पास टाइम है, आपके पास ये जो नेक्स्ट 50 डेज हैं इसमें भी आप भाई अपनी फाइनल लैप में अपना 1 month का अगर डेडिकेटेड हार्डवर्क करते हो तो एक अच्छे एमबीए कॉलेज में जा सकते हो। देखो, एक बात ये समझो कि कैट में ना आप ये मत डरो कि आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आता, एक सेक्शन नहीं आता, पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर आप लास्ट ईयर का डेटा देखोगे, 198 मार्क्स का एग्जाम था, 78 मार्क्स पे आपकी 99% आई थी, 55 मार्क्स पे आपकी 95% आई थी, जस्ट 44 मार्क्स पे आपकी 90% आई थी। तो मतलब 15 क्वेश्चन करती है आपकी 90% आ जाती है, एंड 90% से ऊपर आने पर आपको बेटर बेटर कॉलेजेस मिलते रहते हैं। तो आप अभी ये मत सोचो पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखो, एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाओ और ये सोच के निकलो कि जब मैं एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलूं ना तो मुझे अपना बेस्ट अटेम्प्ट देना है। आपको ये लगना चाहिए हाँ यार, चाहे मैंने 10 क्वेश्चन करे, चाहे 20 करे, चाहे 40 करे, ये मेरा बेस्ट अटेम्प्ट था, इससे बेटर मैं नहीं कर सकता था, राइट? अगर आप क्वेश्चंस की फॉर्म में भी देखोगे तो 66 क्वेश्चन आपके एग्जाम आएंगे, 26 क्वेश्चन 99 परसेंटाइल, 18 क्वेश्चन पे 95 परसेंटाइल, एंड 15 क्वेश्चन पे 90 परसेंटाइल आपकी आ जा रही है। तो आप ये सोचो ना, ऐसा थोड़ी है कि एग्जाम में अगर आप बैठे हो तो 1/4 पेपर भी नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई करी है, थोड़ी बहुत आपने मेहनत करी है और अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो तो उसके लिए सॉल्यूशन जरूर है। वो सॉल्यूशन क्या है, कैट की एडवांस वर्कशॉप। लास्ट 6-7 ईयर्स से हम लोग ये वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। क्यों? क्योंकि इन वर्कशॉप का ऑब्जेक्टिव क्या है, इन ऑब्जेक्टिव है कि भाई आपका एक्यूरेसी और अटेंड बेटर हो। ये कैसे होगा, हम आपको हर एक टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन कराते हैं, एंड जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो आपका क्वांट हो, चाहे वो आपका वर्बल हो, चाहे वो आपका एलआरडी हो, एक एक टॉपिक का एक एक जो क्वेश्चन है जो भाई आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो वो सभी चीज करते हो। 30 डेज की नॉन स्टॉप लाइव वर्कशॉप आपके साथ चलेंगी, एंड इसमें आपकी हर दिन 3 से 4 घंटे की क्लास चलेगी, जिसमें भाई 30-60-90 सेकंड की यूनिक अप्रोच के साथ आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। यहाँ पे आपको वेरियस टेक्निक सिखाई जाएंगी, भाई आपके सामने क्वांट्स का सेक्शन है, कौन सा क्वेश्चन ईजी है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा डिफिकल्ट है, उसको सॉल्व कैसे करना था, उसको जल्दी कैसे कर सकते थे। एलआरडीए में आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है 3-4 मिनट बाद आप स्टक हो जाते हो, और अब मैं क्वेश्चन करूँ, छोड़ दूँ, नेक्स्ट सेट पे जाऊँ, इसी को सॉल्व करूँ, वो सारी चीज़ें कैसे डिकोड करनी है। 8-10-12 मिनट स्ट्रेटजी हम लोग फॉलो करते हैं कि एक सेट को कैसे इतने टाइम में सॉल्व करना है, और इन सभी क्लासेस का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही है कि जितने भी आपके गैप्स हैं, जितने भी आपके लूपहोल्स हैं, जहाँ पे भी आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, एक एक चीज़ आपकी फिक्स हो पाए, एंड आप इसी साल इस एमबीए एग्जाम को क्रैक करके एक ड्रीम बी स्कूल में जा पाओ, ठीक है? सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपके सामने अवेलेबल होगी, एंड जो इसका फीस है दैट इज 4999। 30 डेज की सारी वर्कशॉप लाइव, एंड आप हमारी वेबसाइट studybus.co.in पर जाकर रजिस्टर कर सकते हो। टाइम टेबल आपको देखना है तो ये रहा भाई, आप देख सकते हो 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है, पहले क्वांट्स की परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड हर एक टॉपिक पे आपको अराउंड 50 क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो विच मीन्स कि एकदम आपका फाइनल जो कोर क्रक्स रिवीजन करना होता है ना, जिसमें आप एकदम से टू द पॉइंट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने, वो सब चीजें यहाँ पे सीखते चले जाओगे। क्वांट्स में यहाँ पे टाइम एंड वर्क पाइपलाइन सिस्टम, फिर एलआरडीए में मिसलिनियस एलआरडीए 1, क्वांट्स में एवरेजेस एंड रेशियो, फिर वर्बल एलआरडी, इस तरह से आप देखोगे पूरा का पूरा आरसी, नॉन आरसी, एलआरडीए के जितने टॉपिक्स हैं, बीट, कॉम्प्लेक्स पजल, गेम्स एंड टूर्नामेंट, क्रिटिकल पाथ, अरेंजमेंट, बार चार्ट, डायग्राम, जितने टॉपिक्स सब कुछ। क्वांट्स में आप देखो पहले पूरा अरिथमेटिक, फिर ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स, एलजेब्रा, एक एक टॉपिक आपका हो जा रहा है। तो इससे बेनिफिट ये हो रहा है कि एक तरह से आपका रिविजन भी हो गया, परफेक्ट रिविजन जो आपको लास्ट मोमेंट पर चाहिए होता है। सारे के सारे टॉपिक्स एक बार हो गए, एकदम स्ट्रक्चर्ड तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, तो आपका कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा। आप देखोगे साथ में मॉक्स में आपका स्कोर बेटर होने लगेगा, आप ये वाले अप्रोचेस फॉलो करोगे तो आपको दिखेगा आपकी स्ट्रैटजी बेटर हो रही है, टाइम मैनेजमेंट बेटर हो रहा है, और ये सभी चीजें आपके इस एग्जाम को क्रैक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अगर आपको डेमो अटेंड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में डेमो लेक्चर प्रेजेंट, आप उनको देखो, समझो, अगर आपको ठीक लगे तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। और यही रीजन है इतने सालों में बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट स्टूडेंट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आदित्य वर्कशॉप के स्टूडेंट 99.92 परसेंटाइल,
परफेक्ट फॉर रिविजन एंड प्रैक्टिस. सुहेल 99.13, थैंक यू टू द टीम स्टडी विद नंदिता 99.03, केवी 99.00. वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स. इसके बाद अगर आप देखोगे 2018 से ये फीडबैक है इन वर्कशॉप्स का, तो भाई काफी सालों से कर रहे, तो एक्सपीरियंस यहाँ पे एड ऑन हो जा रहा है. 2018 में अंशु भाटिया ने ज्वाइन किया था, 99.6 परसेंटाइल. द लास्ट मिनट पुश यूजिंग एडवांस कैट वर्कशॉप बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस. दिव्यम 99.31, ग्रेट वर्कशॉप ड्यूरिंग द लास्ट वन टू बिकम कैट फेमिलियर क्वेश्चन. राहुल 99.00, शेयर डेडिकेशन ऑफ द फैकल्टीज देन सीरियस इंप्रूवमेंट इन माई परफॉर्मेंस थ्रू आउट द वर्कशॉप. तो इसी तरह के रिजल्ट रहते हैं. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 40-50 परसेंटाइल में बैठे हुए थे, बट 97.89 परसेंटाइल एक्चुअल एग्जाम आए. हिमांशु 98.04, आप देख सकते हो. 30-60-90 स्ट्रैटजी हेल्प्स यू बिल्ड मेंटल स्टेमिना दैट इज क्रूशियल फॉर कैट लाइक एग्जाम. और अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो, आप चाहते हो कि सर मेरे को अपना बेस्ट निकालना है, मेरे को अच्छे से अपने एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, तो इस वर्कशॉप को ज्वाइन करके एक कमिटमेंट कर दो. सर मैं 1 मंथ कमिट करता हूँ कि 30 डेज में एक भी वर्कशॉप मिस नहीं करूंगा, एक एक क्लास अटेंड करूंगा, जो आपने क्वेश्चंस कराए उनकी प्रैक्टिस करूंगा. अगर आपके बेसिक्स वीक है तो हम आपको बेसिक्स की पहले से प्री रिकॉर्डेड वीडियो दे देंगे, ताकि सुबह आप वो वीडियो देख के रात को जब वर्कशॉप करो तो एक एक चीज आपकी क्लियर होती रहे. तो ये माइंडसेट के साथ अगर आप आने के लिए तैयार हो, सर 1 मंथ मैं आपको कमिट कर रहा हूँ कि एक एक क्लास में बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ूंगा, एक एक टॉपिक को बिल्कुल सीरियसनेस के साथ करूंगा, तो डेफिनेटली मुझे लगता है अभी भी आप काफी अच्छे से अपने स्कोर को इम्प्रूव कर पाओगे. कोई और क्वेश्चन या क्वेरी है तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो. अदरवाइज हमारी वेबसाइट है studybus.co.in, यहाँ पे भी आप लॉग इन करके एनरोलमेंट कर पाएंगे. सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट. अभी गिव अप नहीं करना है, अभी तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डिफीट अंटिल वी कॉम्पीट. टेक केयर, गुड लक.